सब्सक्राइब कीजिए सर सब्ज पाकिस्तान चैनल को, और अगर आप गार्डनिंग की वीडियोस सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए। जज़ाकअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों क्या हाल है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार टॉपिक ये है कि गलोल जो है, ये देख सकते हैं आप, ये बेल है, बहुत ही फैलने वाली बेल है और ये देसी जो है हर्बल प्लांट है। ये इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेस भी होते हैं, तो आप इसको घर में किस तरह लगा सकते हैं। मैं अभी गया हुआ था तो मैंने वहाँ से इसकी बेल देखी, तो मैंने वहाँ से एक कटिंग उतार ली, तो मैंने कहा चलें आज हम सीखेंगे किस तरह हमें इसको लगाना है। ये देखें मैंने नीचे वाले जो पत्ते हैं वो रिमूव कर लिए हुए हैं, काट ली हैं, ये देखें काट ली हैं। तो अब हम इसको लगा लेंगे। एक गमला लीजिए, मिट्टी लीजिए, जस्ट मिट्टी को नरम कर लीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़ कर लगा लीजिए। तो हम इसको लगा लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह जैसा कि आप देख सकते हैं बस इसके अंदर मैंने दबा दी है, इसको रख दिया, लगा दिया है। एक ये है, ये आप जैसा कि देख सकते हैं बहुत ये अपर शूट है, तो हम इसको भी लगाने का सीखेंगे किस तरह दबा देना। तो ऊपर मिट्टी से इसको कवर कर देना, डेट सीट, बस आपने इतना काम करना है। और अब हम इसको देने के पानी, ये पानी बारिश का पानी है, मैंने इकट्ठा किया हुआ है, बारिश का पानी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये कटिंग हमने लग गई, तो आज है 24 तारीख, तो मिलते हैं कुछ दिनों बाद, तब तक ये शूटिंग इसकी शुरू ना हो जाए, रूटिंग प्लस शूटिंग। तो मेरे साथ रहिए। आफ्टर 34 डेज, दोस्तों 34 दिन गुजर जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि जो हमने गिलो की जो बेल लगाई थी वो ग्रो कर गई है। चले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप इसकी शूट, ये अल्हम्दुलिल्लाह निकल रही है। और यहाँ हमने लगाई थी एक अपर शूट, तो वो दोस्तों कामयाब नहीं रही। देखिए दोस्तों, एक्सपेरिमेंट करने से ही हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो हमने क्या सीखा कि अगर हमने गिलो की घर में बेल लगानी है तो हम उसकी हार्डवुड कटिंग लेंगे। ये देखें थोड़ी मोटी है, तो हम इसकी हार्डवुड कटिंग लेंगे, जो रोटिंग उसकी जल्द ही शुरू हो जाएगी। और मौसम बरसात में लगाएंगे या बहार में लगाएंगे तो इसकी शूट देखें अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ करना शुरू हो गई है। तो अब हम थोड़ी देर और इंतज़ार करेंगे, तब तक ये जो है लीव ना शुरू हो जाए, इसके फाइनल रिज़ल्ट कुछ और दिन लग जाएंगे। तो मेरे साथ रहिए। आफ्टर 43 डेज, दोस्तों 43 दिन गुजर जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि हमने जो गिलो प्लांट की कटिंग लगाई थी, आप देख सकते होंगे कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ करना शुरू हो गई है। ये देख सकते होंगे यहाँ से एक शूट निकली है, ये देखें ये बढ़ती बढ़ती, ये देखें ये लीव्स भी आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये भी, ये देखें ये भी लीव्स आ रहे हैं। हमने कितनी आसानी से घर में अल्हम्दुलिल्लाह गिलो प्लांट के, ये जो हर्बल प्लांट है घर में, ये बेल है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ करती है, तो ये हमने किस तरह घर में लगा लिया, बहुत ही आसान था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लगी होगी कि गिलो प्लांट की हमने किस तरह कटिंग घर में लगानी है और फ्री में हमने घर में पौधा बना लेना है। तो दोस्तों टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है। तो वीडियो के शुरू में मैं कहा था हम अच्छी बात करेंगे, तो दोस्तों आज की अच्छी बात ये है कि हर वक्त हर हालात में दोस्तों अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। कोई भी छोटी से छोटी भी खुशी मिले, जैसा कि देखें ये कितनी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है कि घर में हमने जो एक कलम लगाई उसका रिज़ल्ट हमें अल्लाह ताला ने दे दिया। दोस्तों ये अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो इस वजह से जब भी कोई खुशी मिले, कोई भी नेमत मिले, तो अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए। तो दोस्तों अगर फिर गर्म गम में भी हों हम, अगर हालात ठीक भी ना हो, तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अपने से नीचे वाले लोगों की तरफ देखना चाहिए। अगर मेरे पास ये चीज़ है तो कई लोग तो ऐसे भी हैं जो इनके पास वो भी चीज़ें नहीं हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मेरे पास अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना बहुत पसंद है। अल्लाह ताला देखें, अल्लाह ये अल्लाह का कानून है कि जितना आप शुक्र अदा करेंगे ना दोस्तों, अल्लाह ताला उतना आपको उस नेमत में इजाफ़ा करेगा। मतलब मैं ये देखें प्लांट्स लगा रहा हूँ, आपसे शेयर करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अल्लाह ताला ने मुझे प्लांट्स दिए हैं, मैं उनकी देखभाल भी करता हूँ, शौक़ भी अपना पूरा करता हूँ। आपके अंदर भी आगाही हासिल
कि भाई आप भी प्लांट्स लगाएं, पाकिस्तान को हरावर रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए दोस्तों। तो ये चीज़ ही ये आज की अच्छी बात है, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ लाता रहता है, अच्छी अच्छी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता है। दोस्तों आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो पाकिस्तान में पौधे लगाते हैं, पाकिस्तान को हरावर रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए दोस्तों। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।